तो भाइयों ये है तीर। इसका जन्म इसलिए हुआ था कि जब भी ये उड़े तो पाकिस्तान वाले इसे अपने पीछे ले लें। बोले तो उड़ता तीर अपनी जी में लेना। हमारे प्यारे हार्दिक पांड्या कुनफू पांड्या को लोस्ट कर दिया है एक इनकी फ्लॉप एक्ट्रेस ने। हार्दिक भाई ने एक पोस्ट डाला था सिंपल सा, वी विल लर्न वी विल इम्प्रूव अ बिग थैंक्स टू ऑल अवर फैंस फॉर योर सपोर्ट ऑलवेज। तो इस पर दीदी का कहना है, प्लीज आप पाकिस्तान से नेक्स्ट मैच हार जाना 23rd को, आपको और भी कुछ सीखने मिलेगा। वाह दीदी आपने तो बहुत ही भयंकर कॉमेडी कर दी। हम तो चलो भाई ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं और वो भी बहुत ही तगड़ा मैच हुआ था, पर इनकी टीम तो इंग्लैंड की सी टीम से जाके हारी है। एक बार तो मेरे को इंग्लैंड की टीम देख के लग रहा था यॉर्कशायर की टीम है। और पूरी टीम में से तुम बाबर आजम और रिजवान के रन हटा दोगे ना तो भाई उतने ही रन बचेंगे जितने ऑस्ट्रेलिया ने एशिया कप में मारे थे। अबे ऑस्ट्रेलिया एशिया कप कब से खेलने लगी? हाँ तो इनका मिडिल ऑर्डर कौन सा खेल रहा है? मैं बता रहा हूँ किसी दिन इनके रिजवान और बाबर आजम कंधे पर हाथ रख के बिरयानी खाने चले गए ना तो बरमूडा की टीम और पाकिस्तान की टीम में एक ही डिफरेंस रह जाएगा, वो है ये वाटरमेलन जर्सी का। हाँ पाकिस्तान में मैच नहीं होता, पाकिस्तान में मैच नहीं होता, और जब पाकिस्तान में मैच हुआ इंग्लैंड आई तो उन्होंने क्या हाल किया? दा थप्पड़। और ये जो दीदी है जिन्होंने हार्दिक पांड्या को सो कॉल्ड लोस्ट कर दिया है, इन्होंने न्यूजीलैंड के प्लेयर जिमी निशाम को बकायदा सीटी मार के छेड़ा है भाई। जिमी वुड यू लाइक टू बी डैडी ऑफ माय फ्यूचर किड्स? अब भाई बला की खूबसूरत तुम, हुस्न परी तुम, जाने जहां तुम, सबसे हसीन तू सबसे जवां, लड़की को क्या ही रिप्लाई करते जिमी निशाम भाई, पिघल गए और पिघल के यही रिप्लाई किया प्रपोजल का। और दीदी ऐसा है बाहर के प्लेयर तो फिर भी ठीक है, हमारे यहाँ के लड़के बहुत बकचोद है भाई, उनका ह्यूमर अलग लेवल पे, वो नहीं छोड़ते किसी को। मिश्रा जी वाला सीन तो याद ही होगा, चलो मैं याद दिला देता हूँ। पूरे एक वीक अफगानी चाप खाएंगे अगर आज अफगानिस्तान पाकिस्तान को हरा देता है, फिंगर्स क्रॉस्ड। जिस पर दीदी कहती है, ओह पुअर मिश्रा विल हैव टू स्पेंड होल वीक ऑन काउ डंग। तो मिश्रा जी ने कहा, नहीं मेरा अभी कोई प्लान नहीं है पाकिस्तान आने का। वैसे मित्रों दोस्तों एशिया कप तो गियो और कौन जीता हमको पता ही है, खैर छोड़ो ऐसे पुराने दिन याद नहीं करते। दीदी को पब्लिक ने भी काफी ज्यादा अच्छे तगड़े तगड़े रिप्लाई दिए, और इसी के साथ में हम लोग वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ जिसमें हमारे संजू बाबा नहीं है और पब्लिक भड़की हुई है, उसके भी मीम्स देख लेते हैं क्योंकि मीम्स जरूरी है। अब जो दीदी को रिप्लाई मिले हैं उस पे बात कर लेते हैं। भीख मांगने के ये कौन सा तरीका है, कभी डॉलर के लिए भीख मांगते हो कभी मैच के लिए? बात तो सही है। वाओ यू आर वाचिंग इंडियन क्रिकेट इवन दो पाकिस्तान इज प्लेइंग इन योर कंट्री, दैट्स द ब्रांड इंडिया हैज सेट इन द वर्ल्ड क्रिकेट। भाई सच में यार दीदी को मतलब इंडिया के क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। भाई बात है यार हम लोगों में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा मजा आ रहा है लोगों को। आर यू फैमिलियर विद द टर्म उड़ता तीर? एग्जैक्टली भाई ये ना भारी पड़ने वाला, अगर 23 तारीख को तुम लोग हार गए इंडिया वाले तो यहाँ से गाली देंगे, पाकिस्तान वाले तुमको जूते जरूर मारेंगे कि क्या जरूरत थी मजाक बनाने के बीच में जाके। जब आदमी की शक्ल अच्छी ना हो तो उसे बात तो अच्छी करनी चाहिए। अब यार वो मीम जिसमें संजू बाबा को लेकर लोग बहुत चिंतित थे कि इन्हें T20 में क्यों नहीं रखा गया भाई, आफ्टर फेलिंग रेगुलरली इन T20 एंड स्टिल गेटिंग सिलेक्टेड पंत लुकिंग एट संजू सैमसन। दीपक चहर आफ्टर बीइंग इंक्लूडेड इन रिजर्व फॉर द 9th टाइम। भाई अभी जो उमेश यादव को खिलाया क्या वहाँ पे दीपक चहर भाई नहीं खेल सकते थे हमारे? अंबाती रायडू टू संजू सैमसंग, हम भी पहले गए थे तुम भी पहले जाओगे। रायडू भाई के साथ तो सच में बहुत ज्यादा ही बुरा हो गया था, और उनका रिप्लेसमेंट कौन था सबको याद ही होगा, सिलेक्टर्स का एकदम बिलंडर था बलंडर। आजा संजू साथ में लेजेंड्स लीग खेलने चलते हैं। अरे अपना जो कल वीडियो आने वाला है शायद वो लेजेंड्स लीग पर ही है, काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई है भाई उसमें भी। ऋषभ पंत गेटिंग सिलेक्टेड इंस्टीड ऑफ संजू सैमसन, संजू सैमसन टू BCCI सिलेक्टर, इसमें 13 घाटा हमें तो पेल के आता यार। सच में जहां पे हार्दिक भाई आते हैं ना, अगर हार्दिक पांड्या आउट हो गए तो हम लोग पास वो फिनिशर टच नहीं है भाई, हार्दिक भाई के भरोसे कैसे रहेंगे, दो प्लेयर तो होना चाहिए एटलीस्ट। पंत इन T20 स्क्वाड, यार ये कुछ ज्यादा हो गया भाई, इतने भी बुरे नहीं है। संजू सैमसन टू BCCI, तुम लोग को पता नहीं है तुम लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, अब ये तो वर्ल्ड कप के बाद ही पता चलेगी या बीच में। संजू सैमसंग एंड आवेश खान चेकिंग देयर नेम इन वर्ल्ड कप स्क्वाड शीट, रिजर्व में चेक कर रिजर्व में। भाई आवेश भाई तुम कैसे चिपक लिए साथ में, आपको तो ले भी नहीं जा रहे थे, संजू भाई की बात अलग थी वो तो। बस यार आज के वीडियो के लिए इतना, बाकी ऐसी तबाही मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो, बाइक मत भूल जाना है।